So hello friends in this video i am going to tell you that how can you get admission in chandigarh government schools so um Make sure you have to subscribe my channel, press on the bell icon so you will get the first notification of my video. So, in this video, I am covering all the things in detail. Uh, so, watch the video till the end without skipping any parts of the video. So, this video is going to be very important and also very interesting for those who want to get admission in Chandigarh's government school. So, let's get started without taking your more time because time is very precious, and one thing that that is very important. This video is going to be in Hindi, so this is my introductory part. Uh -huh. फ्रेंड्स ये वीडियो हिंदी में होने वाली है सो हिंदी में ही मैं आपको सारी डिटेल दूंगा सो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें सो so, uh, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि चंडीगढ़ में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो सारे मोस्टली जो है वो सीबीएसई से एफिलिएटेड है यानी कि वहाँ का जो बोर्ड है वो सीबीएसई बोर्ड है ओके सो वहाँ पे जो एडमिशंस है वो स्टार्ट हो गए हैं फर्स्ट क्लास से लेके नाइंथ क्लास तक के लिए हाँ टेंथ क्लास के इस एडमिशंस के बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन हम फर्दर किसी और वीडियो में लेकिन इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि किस तरीके से जो लोअर लेवल जो आ, जो लोअर लेवल यानी कि जो जूनियर स्टूडेंट हैं वो कैसे एडमिशन ले सकते हैं चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल्स में ठीक है गाइज सो so, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन्स स्टार्ट हो गए हैं टाइमिंग टें दस बजे से लेके एक बजे तक की है दोपहर में ठीक है और ओ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चंडीगढ़ के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है एडमिशन एप्लीकेशन ठीक है और एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप आ, किसी एक स्कूल के भरोसे अगर बैठे हैं कि पर्टिकुलर मुझे इस स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा एप्लीकेशन डालने से सो मे बी नहीं कम चांस होता है एडमिशन मिलने का सो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में अपने एप्लीकेशन को सबमिट करें ठीक है एंड uh, अगली चीज यह है कि आप जिस भी स्कूल को चूज करें वो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए मॉडल स्कूल्स होना चाहिए या सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए और वो अच्छा स्कूल होना चाहिए वहाँ की एजुकेशन अच्छा होना चाहिए सो अगर आपको नहीं पता कि कौन से अच्छे स्कूल से चंडीगढ़ के लिए सो मैंने ऑलरेडी उसके लिए वीडियो बना रखा है सो आ, आप उस वीडियो को देख लेना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं तो जो अगला पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो पार्ट आ जाता है डॉक्यूमेंट का तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं चंडीगढ़ में अगर आपको अपने बच्चे या फिर अपने रिलेटिव्स या फिर किसी का भी आपने एडमिशन करवाना है तो सबसे पहले जो आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिविंग सर्टिफिकेट आपको एक लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए जहाँ से भी आपने एजुकेशन लिया है मैं मानता हूँ कि चलिए आपने मोहाली के किसी स्कूल से या फिर बलोंगी के किसी स्कूल से आपने अपना आ, फिफ्थ क्लास सपोज फिफ्थ क्लास या सेवन्थ क्लास जो भी आपने क्लियर किया है ठीक है तो वहाँ का आपको एक लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए लिविंग सर्टिफिकेट होता है स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र ठीक है तो वो आपको एक चाहिए आपको अपने स्कूल से मिल जाएगा ओके और जो सेकंड चीज़ आता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र आपको आपका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए ओके अब थर्ड चीज़ आता है आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड ठीक है आपको एक अपना आधार कार्ड चाहिए जिस भी बच्चे का आप एडमिशन करवाना चाहते हैं और उनके मम्मी पापा यानी उनके पेरेंट्स का आधार कार्ड चाहिए ठीक है उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेजिडेंसी प्रूफ जिसे रेंट एग्रीमेंट भी कहते हैं अगर आप चंडीगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके आपको वहाँ का निवासी होना ज़रूरी है लेकिन आप अगर वहाँ के निवासी नहीं हैं तो भी आप टेंशन ना लें आप रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं अगर आपका कोई पहचान का है वहाँ पे जो रहता है जिसका खुद का मकान है तो आप उसके हेल्प से भी अपना रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं किसी भी कोर्ट में जाके चाहे आप चंडीगढ़ के 43 के कोर्ट में जाके रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी जिसके नाम पे मकान है उसका नाम उनके फादर का नाम और आपका नाम ठीक है और बस ये चीज़ चाहिए होती है इन कोर्ट में जहां से भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो ये तो बात होगी डॉक्यूमेंट की अब बात आती है कि अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट अभी मतलब नहीं है जैसे मान लीजिए आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आप बनवा सकते हैं ठीक है सो क्या तब भी आपका एडमिशन नहीं होगा नहीं तब अभी आपका एडमिशन हो जाएगा लेकिन पहली चीज़ जो है जो पहला स्टेप है आपको एप्लीकेशन जाके देना पड़ेगा ठीक है आपको एप्लीकेशन चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल्स में जा सबमिट करना पड़ेगा ये आपका सबसे पहला स्टेप है उसके बाद जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया जो ये चार डॉक्यूमेंट है ये आपके पास होने चाहिए कंपलसरी है लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि उसी टाइम आपके पास होना चाहिए जब तक आप एडमिशन आपका नहीं हो रहा जब तक आप कहीं से मेनटेन कर सकते जैसे अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है ठीक तो है तो आप फटाफट बनवा सकते हैं ठीक है अपना रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं जब तक आप अपना ये काम करवा सकते हैं ठीक है और उसके बाद बात आती है कि एप्लीकेशन किस तरीके से लिखना है तो वो फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा और चलिए मैं वो आपको फॉर्मेट दिखा भी देता हूँ सो फ्रेंड्स ये लेटर का फॉर्मेट है जैसा कि आप देख सकते हैं सो so, सबसे पहले टू द प्रिंसिपल से शुरू करना है मैंने यहाँ पे लाइनिंग छोड़ी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए आपने लाइन नहीं छोड़ना ठीक है सबसे पहले टू द प्रिंसिपल फिर उसके बाद आपने यहाँ पे स्कूल मेंशन करना है जिस भी स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बाद चंडीगढ़ मेंशन है फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट क्या है ठीक है एडमिशन लेना चाहते हैं अपने सन या डॉटर का करवाना चाहते हैं उसके बाद रिस्पेक्टिव टीचर फिर उसके बाद एक लाइन आपने छोड़नी है अगली लाइन से ये सारी चीज़ें जो फॉर्मेट है वो आपने लिखना है ठीक है उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्कूल नेम यहाँ पर स्कूल नेम के जगह जिस भी स्कूल में आप अपने डॉटर का एडमिशन करवाना मतलब पढ़ता था जिस स्कूल में वो प्रीवियस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल का यहाँ पे आपने नाम लिखना है ठीक है इस ब्रैकेट में फिर उसके बाद अगला लाइन एक लाइन छोड़ के फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है नेम यानी कि जो जिस बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं उसका नाम आपने मेंशन करना है जैसे मैंने यहाँ पे एक्स वाई जड कुछ भी लिख दिया तो आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं जैसा कि आपके सन या डॉटर का या आपके फ्रेंड का नाम है सो आप वहाँ पर लिखेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर जो क्लास फिफ्थ लिखा है यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग क्लास मैंशन कर सकते हैं जिस भी क्लास में एडमिशन करवाना चाहते हैं ठीक है बाकी जो फॉर्मेट रहेगा वो सेम ही रहेगा और एक चीज़ें की और भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सन और डॉटर अपने अकॉर्डिंग चूज करें ठीक है और यहाँ पे जो मैंने स्कूल है फोर्टी वन डी एग्जाम्पल लिया है आप कुछ भी लिख सकते हैं और एक और चीज़ यहाँ पे देखिए डॉटर इन क्लास यहाँ पे मैंने डैश 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 डाला हुआ है तो आप यहां पे डैश टैस टेस्ट नहीं डालेंगे यहां पे आप लिखेंगे कि आप जिस भी क्लास में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो वो क्लास आप यहाँ पे मेंशन करेंगे उसके बाद आप राइट साइड में लिखें सॉरी हाँ राइट right साइड में आप लिखेंगे योर फेथफुली और फिर उसके बाद पेरेंट्स नेम और यहाँ पे जो आप फ़ोन नंबर जो यूज कर रहे हैं जो चल रहा है वो आपने फ़ोन नंबर देना है क्योंकि अब अगर आपका एडमिशन होता है आपके बच्चे का या आपके फ्रेंड का तो वो आपको फ़ोन करेंगे तो आपने वही फ़ोन नंबर देना है जो कि चालू है उसके बाद आपने एड्रेस दे देना है जहाँ पे भी आप रहते हैं उसके बाद आपने थोड़ा सा और नीचे आते हुए दो तीन लाइनें छोड़ दी हैं और वहाँ पे अपना पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा देना है ठीक है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा सो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को सब कुछ बहुत ही ईजिली और क्लियरली फाई हो चुका होगा आपके माइंड में कि चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कैसे करवाते हैं और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बोल गया था बताना कि जो डॉक्यूमेंट है मैंने चार डॉक्यूमेंट बताए थे एक डॉक्यूमेंट जो कि वो भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है वो है रिजल्ट जो कि आपने जिस प्रीवियस स्कूल से पास आउट हुए वहाँ का आपको एक रिजल्ट चाहिए सो आई होप आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया हो फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप बिना झिझके हुए बिना सोचे समझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं मैं अपने तब से पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में